एटीएम पर पट्टी फंसाकर चोरी करने वाले उत्तर प्रदेश की एक टोली को अपराध शाखा की यूनिट 4 की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने 5,58,300 रुपये का माल जब्त किया। आरोपियों में अतुल विश्राम पाल और रोहित बहादुर सिंह शिवमूर्त पाल का समावेश है। पिछले कुछ दिनों से नागपुर शहर के सक्करदरा, नंदनवन, हुडकेश्वर, जुनी कामठी इलाकों में विभिन्न बैंकों के एटीएम में पट्टी डालकर पैसे निकाल जाने की शिकायत होने पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। यूनिट 4 की टीम को सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की खबर लगी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी अतुल और रोहित को हिरासत में ले लिया। उनके कुछ साथी समृद्धि महामार्ग से भागने की जानकारी मिली। इसके बाद अन्य आरोपियों का भी पीछा शुरू किया गया था। वहां धामन गांव रेलवे के पास आरोपी शिवमर्द पाल को कार सहित गिरफ्तार किया गया, लेकिन दो आरोपी भागने में सफल हो गए। इन गिरफ्तार आरोपियों से नकदी 28,500 रुपए, 3 मोबाइल, एटीएम में डालने वाली पट्टियों सहित 5,58,300 रुपए का माल जब्त किया गया है। एटीएम से वो एटीएम में पट्टी डाल के पैसा लेके गए, ऐसा टाइप के गुने कुछ हुए थे। 4 गुने उन्होंने किया था, ऐसा कबूल किया है। उसमें से 3 आरोपी अटक अभी तक किए हुए है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए पावर ऑफ 1 न्यूज को फॉलो कीजिए।